दो ऐसे राज्यों के बीच में कंगना रनौत ने नफरत फैला दी है। लोग जो शरारती ने सारे नहीं शरारती ने जिड़े हुई करतूत कर रहे बंदे दे पुत बनो तुहाडे करके जिहड़े पंजाब दे विच रहिंदे ने किरत करदे ने इत्थे अपने कारोबार करदे ने उन्हां नूं जे मुश्किल आ गई फिर। एक हिंदू वीर दस रहे ने कि कंगना रनौत ने किस तरह हिमाचल और पंजाब दे दरमियान दे विच नफरत दा बीज बोया है। खैर पहलो ते आपां वीडियो देख लेने आ फिर करदे आ गलबात। लेकिन अब दो ऐसे राज्यों के बीच में कंगना रनौत ने नफरत फैला दी है जो दरअसल कभी एक हुआ करते थे, यानी दोनों भाई भाई हैं। जहां बेटी रोटी बेटी का रिश्ता है आप ये कह सकते हैं, जहां एक दूसरे के बीच शादियां होती है, रिश्तेदार है, आना जाना है, एक दूसरे पे एक दूसरे का कारोबार, नौकरियां टिकी हुई है, पंजाब और हिमाचल 1971 तक दोनों एक हुआ करते थे, दोनों बहनें दोनों भाई जो मर्जी कह लीजिए हमेशा सद्भावपूर्ण संबंध रहे हैं। जब 1984 में सिखों के खिलाफ दंगे भड़के थे, सिख दंगे हुए थे, उस वक्त भी हिमाचल में इतना असर नहीं हुआ था, पंजाब में जब दौर था आतंकवाद का उस वक्त भी हिमाचल के लोगों को बचाया गया था, हिमाचल के हिंदुओं को बचाया गया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कंगना रनौत जो जहर फैला गई उस जहर ने असर करना शुरू कर दिया है। ये शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई 6 जून को, जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को एक CISF की कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने एक तमाचा जड़ दिया था। दरअसल वहां से भी नहीं, शुरुआत किसान आंदोलन से होती है, जहां कंगना रनौत ने सबसे पहला जहर का बीज बोया था, जब उन्होंने कहा था कि जो बैठी हैं यहां पर धरने में किसानों के साथ औरतें 100-100 रुपए में आती हैं, उसी का असर था कि कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत को तमाचा जड़ दिया। खैर मामला वहां भी निपट सकता था, जब कंगना ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में कहा था तब वो सिर्फ हीरोइन थी, सांसद नहीं थी, अब सांसद बन चुकी थी, लेकिन कंगना बाज नहीं आई। कंगना ने जाते ही एक स्टेटमेंट रिलीज की, ये तो कहा कि मैं ठीक हूं, लेकिन उसके बाद जो कहा कि पूरा पंजाब में जो आतंकवाद जो उग्रवाद बढ़ रहा है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, यानी एक तरह से टेररिस्ट स्टेट पंजाब को घोषित कर दिया, और उसका असर तुरंत दिख भी गया, पॉलिटिशियनों को तो तुरंत मौका भी मिल गया। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे हैं मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माय कंसर्न इज के जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? ओहो, एक गुस्सा है, उन्हें पहला इस तरह का बोलिया होया तो उसका गुस्सा कितने ना कितने उस कुड़ी दे दिल च होना नहीं चाहिए सी इस तरह, है ना। पर उसके जवाब दे विच एक पब्लिक फिगर होने के नाते, भावे वह फिल्म स्टार भावे इलेक्टेड MP बन गए, हूँ यह कहना कि सारा पंजाब ही अतवादी है, सारा पंजाब अतवाद, ये मतलब ये गलत है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि सारे वो पंजाब है जिन्हें देश लैके दिता है, वो पंजाब है जिहड़ा देश का पेट पालदा अज भी। कंगना का ये कहना था और भगवंत मान का उस पर रिएक्ट करना था कि उसका असर शुरू हो गया है दोनों जगह पर, न सिर्फ हिमाचल में बल्कि पंजाब में, दोनों जगह एक दूसरे के लोगों को अब निशाना बनाया जा रहा है। और निशाने पे कौन आ रहे हैं? टैक्सी ड्राइवर या पर्यटक। हाल ही में 15 जून को हिमाचल के डलहौजी में एक पंजाबी NRI कंवलजीत सिंह और उनकी स्पेनिश पत्नी को लोगों ने निशाना बनाया, मारपीट की उनके साथ, जो इस वक्त हॉस्पिटल में बैठे हैं। जरा कंवलजीत की किसी बात सुन लीजिए तो आपको हालात चीजें समझ में आ जाएगी। कोई पंजाबी वीर जावे ना उधर ना, जिहड़ा वा हिमाचल च ना जान, क्योंकि हिमाचल के लोगों का जिहड़ा वा अपने पंजाबी लोगों को जिहड़ा वा वो कुटमार कर रहे सब इकट्ठे हो गए। जी हाँ, ये कंवलजीत का ये बयान अपने आप में सारी कहानी बता रहा है।
अब उसका असर ये हो रहा है कि जैसे ही हिमाचल की गाड़ियां टैक्सी खास करके पंजाब में जा रही हैं, तो पंजाब में हिमाचल की टैक्सियों को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। यहां तक भी ठीक है, लेकिन पंजाब में जो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो चैनल चल रहे हैं, वो लगातार इन चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं, लगातार इसको बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, लगातार पंजाब के लोगों को आगाह कर रहे हैं। और बाकायदा यहाँ के सो कॉल्ड धार्मिक नेता धमकी भरी जो है वो बातें हिमाचल के लोगों के लिए कह रहे हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो हिमाचल के लोग पंजाब में नौकरियां करते हैं। जिहड़े हिमाचली लोग जिहड़े शरारती ने, सारे नहीं शरारती ने, जिहड़े होईयां करतूतां कर रहे, बंदे दे पुत बनो तुहाडे करके, जिहड़े पंजाब दे विच रहिंदे ने, किरत करदे ने, इत्थे अपने कारोबार करदे ने, उन्हां नूं जे मुश्किल आ गई फिर आखिर जन शक्ति है ना, जे इह वी उठ के ते इहनां दा विरोध करन लग पैणा, आखण वी तुहानूं असीं काम नहीं करन देणा, असीं इत्थे रहिण नहीं देणा, फिर तुसीं करोगे। आपको बताता हूं मैं, हिमाचल और पंजाब के बीच टेंशन अगर बढ़ गई कंगना जी की वजह से तो क्या होगा? हिमाचल के लाखों युवक पंजाब के लुधियाना की हौजरी इंडस्ट्री और जलंधर की स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे नौकरियां करते हैं, नौजवान नौकरियां करते हैं, लड़कियां नौकरियां करती है पंजाब के हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं हिमाचल के लोग वहां पर जाके, क्योंकि आपको मालूम है जहां भी आप जाएंगे अच्छे कुक्स अगर कहीं आपको मिलेंगे तो या तो उत्तराखंड के होते हैं या हिमाचल के होते हैं, पहाड़ी लोग खाना अच्छा बनाते हैं। दूसरी तरफ जवाब में पंजाब का जो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, खास करके टूरिज्म का बिजनेस है, वो हिमाचल पर निर्भर है। पंजाब से बहुत टूरिस्ट हिमाचल आता है और उसी वजह से जो टूरिज्म से जुड़ा बिजनेस है पंजाब का, वो हिमाचल पर बहुत डिपेंड करता है, वहाँ के टूर बहुत सारे आते हैं। अब अगर ये टेंशन इस तरह की बढ़ती गई और इस तरह के मामले होते गए, अभी तो 8-10 मामले ही हुए हैं, अगर ये मामले और बढ़े तो दोनों राज्यों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि हिमाचल में टूरिस्ट अगर आता है पंजाब से तो रेवेन्यू भी लाता है, लेकिन साथ ही पंजाब में टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए व्यवसाय का साधन भी है। पंजाब के बहुत सारे लोगों के हिमाचल में होटल्स हैं, होटल बिजनेस से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ पंजाब के, हिमाचल के युवा पंजाब में जाके नौकरियां करते हैं, और अगर दोनों राज्यों में ये हिंदू मुसलमान की तरह अगर कहीं पंजाबी और हिमाचलियों के बीच में टेंशन और बढ़ गई तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मामला उलझ जाएगा, क्योंकि पंजाब का मामला है ये सिर्फ, और कंगना रनौत जिस तरह से अपने आप को छाती चौड़ी कर करके पहाड़ी बेटी पहाड़ी बेटी पहाड़ी बेटी कहती हैं, मैं पहले भी कई बार वीडियो में कह चुका हूं कि कंगना रनौत पूरे हिमाचल को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। कंगना रनौत की जीत पे हिमाचल में भी बहुत सारे लोग हैरान हैं कि जीत कैसे गई, संसद कैसे पहुंच गई, और उसके लिए कहीं ना कहीं एक श्रेय मैं इन दोनों को भी देता हूं। ये है प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल के मुख्यमंत्री। अगर ये दोनों दो गुटबाजी में नहीं फंसे होते तो कंगना रनौत शायद संसद नहीं पहुंचती, क्योंकि कांग्रेस की आपस की गुटबाजी थी, उस गुटबाजी का फायदा हो गया, कंगना रनौत और 70,000 वोटों से जीत के संसद में पहुंच गई। जब तक हीरोइन थी, बयान देती थी, तो हिमाचल के लोग कह देते थे कि भाई चलो हीरोइन है, लेकिन अब तो बाकायदा यहां से सांसद बन के गई है। और पंजाब के लोगों ने, पंजाब के राजनीतिकों ने बाकायदा इस पर राजनीति शुरू कर दी। देख लीजिए, सरेआम कह रहे हैं कि जो भी ये हो रहा है, जो NRIs को मारा गया है या जो टैक्सीज तोड़ी जा रही हैं, टैक्सी ड्राइवर्स को निशाना बनाया जा रहा है, टूरिस्टों को निशाना बनाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ कंगना रनौत की वजह से हो रहा है, उन इंसिडेंट्स की वजह से हो रहा है। अगर कंगना रनौत उसके बाद वो आतंकवाद स्टेट का तगमा पंजाब को नहीं देती तो शायद मामला इतना नहीं उलझता। ये है हमारे देश के सांसद, ये है सांसद का कार्यस्थानी। जिस सांसद को इस देश को चलाना है, जिस सांसद को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को चलाना है, जिस सांसद को सब धर्मों को, सब राज्यों को, पूरे देश के लोगों को अपने साथ लेके चलना है, उनने उस वैसे सांसद ने शपथ लेने से पहले ही नफरत के बीज बो दिए। तो मेरे हिसाब से कंगना को आज एक बहुत मुबारकबाद तो मेरी तरफ से बनती है कि कम से कम उनके बोए गए बीज ने अंकुरित होना शुरू कर दिया है। अब ये जरूरत है दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, पंजाब में भगवंत मान को, कि भगवंत मान ने जो बयान दिया उसको भूल के ऐसी राजनीति ना करके अपने लोगों को समझाने की कोशिश करें। इधर हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू को
संभालने की जरूरत है चीजों को कि भाई पंजाब से आने वाले लोगों को किसी तरह से कोई तकलीफ ना हो, निशाना ना बने। क्योंकि ये भी सच्चाई है, ये किसी से छुपी नहीं है कि हिमाचल में जितना टूरिस्ट आता है उसमें से तकरीबन 50% के आसपास का टूरिस्ट पंजाब से आता है या पंजाबी ओरिजिन का होता है। तो अगर पंजाब हिमाचल से दूर हो गया, टेंशन हो गई, तो टूरिज्म पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। और जब बॉर्डर लगता है पंजाब के साथ, हिमाचल का इतना लंबा बॉर्डर लगता है, तो वैसे में फिर दूसरे राज्यों के लोग भी आने से डरेंगे। रही बात टैक्सी बिजनेस की, ठीक है हिमाचल में जो टैक्सी के ऑपरेटर हैं, टैक्सी चलाते हैं लड़के, उन्हें लगता है कि पंजाब के लोग आके उनके बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, तो उसका भी बैठ के सोल्यूशन निकाला जा सकता है। और ये जिम्मेदारी किसकी है? वो जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री और सांसद। अब कंगना रनौत अगर अपने आप को इतनी ही सीरियस सांसद बनती है तो उन्हें आगे आना चाहिए, लोगों से अपील करनी चाहिए और अपनी कई बात पर माफी मांगनी चाहिए कि मैंने पूरे पंजाब को एक ही नजरे से देख लिया, उसके लिए माफी चाहती हूं। और लोगों से अपील करना चाहिए कि जो भाईचारा पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के बीच हमेशा से रहा है, वो यूं ही बना रहे। दरअसल तीनों राज्यों में बहुत भाईचारा रहा है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, तीनों लोग आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में रिश्तेदारियां हैं, एक दूसरों की जगह पर रहते हैं। हिमाचल के लोग हरियाणा पंजाब में रहते हैं, पंजाब और हरियाणा के लोग हिमाचल में आके रहते हैं। चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है और हिमाचल भी लगता है साथ में, तीनों का एक सेंटर है, वहां तीनों स्टेट के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। अब ऐसे में अगर ये टेंशन हो गई तो ये टेंशन बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। खास करके मुझे तो सबसे ज्यादा टेंशन उन युवाओं की है, खास करके हिमाचल के युवाओं की, जो रोजगार के लिए पंजाब में जाते हैं। हिमाचल में इंडस्ट्री के नाम पे कुछ खास नहीं, थोड़ी बहुत इंडस्ट्री है, छोटा सा इंडस्ट्री एरिया, तो यहाँ सरकारी नौकरी वैसे ही कम है, प्राइवेट जॉब्स का भी कोई ऑप्शन नहीं है। पंजाब में औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जैसे मैंने पहले कहा लुधियाना की हौजरी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में मशहूर है, जलंधर का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इंडस्ट्री पूरी दुनिया में मशहूर है, वहां पर बहुत तादाद में हिमाचल के बच्चों को नौकरियां मिलती है। ऐसे में कंगना जैसी एक मुंह बड़बोली सांसद की वजह से पूरे दोनों राज्यों में टेंशन बढ़ जाए, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन कंगना जैसे सांसद बाका बनिस्पत इसके कि चीजों को शांत करें, लोगों से माफी मांगे, लोगों को समझाए, उल्टा अपनी फिल्म इंडस्ट्री को धमका रही है और पंजाब को फिलिस्तीन और इसराइल से कंपेयर कर रही, कह रही हैं कि जैसा मेरे साथ वहां हुआ, अगर फिल्म इंडस्ट्री खामोश रही तो कल को कोई फिलिस्तीनी या इसराइली उनके साथ भी ऐसा करेगा तो क्या होगा। कहां की बात को कहां ले जाती है। मुझे लगता है जब शपथ ले रही थी कंगना रनौत तो उस वक्त कुछ लोगों को उन्हें याद दिलाना चाहिए था कि सांसद की ड्यूटियां क्या होती, सांसद की मर्यादा क्या होती है, सांसद के कर्तव्य क्या होते हैं। ठीक है, सनी देओल की तरह ये भी शायद अगली बार ना दिखे, एक बार की सांसद बन के रह जाएं, क्योंकि इस बार जो लोगों ने गलती की है अगली बार तो नहीं करेंगे, ये मुझे भी पता है। लेकिन ऐसा ना हो कि जाते जाते इतना बड़ा खड्डा खुद जाए कंगना रनौत की वजह से जिसको भरना मुश्किल हो जाए। इसलिए मेरी सभी लोगों से गुजारिश है, पंजाब हरियाणा के जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ऐसी एक बड़बोली नेता की बातों में मत आइए, ऐसी एक बड़बोले जो आपके यहाँ भी पंजाब में भी जो धार्मिक सो कॉल्ड नेता वैसे बयानबाजी कर रहे हैं उनकी बातों में ना आइए। पॉलिटिशियन, राजनेता जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी बातों में मत आइए। आपका और हिमाचल के लोगों का और हिमाचल और पंजाब के लोगों का जो रिश्ता है, बरसों पुराना रिश्ता है, हजारों साल से रिश्ता चला है, इस रिश्ते को यूं ही बरकरार रहने दीजिए, यूं ही बनाए रखिए ये भाईचारा, तभी दोनों राज्य तरक्की कर पाएंगे, नहीं तो फिर टेंशन में तो आपको मालूम है क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो दे विच आप जी ने देखा कि किस तरह कंगना रनौत ने हिमाचल ते पंजाब दे दरमियान नफरत दा बीज बोया है। उस नफरत दे बीज दा असर पंजाबियां ते पंजाब ते ते कोई नहीं होया, लेकिन हिमाचल दे लोगां दे उत्ते बहुत ज्यादा होया। हिमाचल दे लोगां ने पंजाबियां नू सिखां दे उत्ते बहुत ज्यादा जुल्म कीता है, लेकिन पंजाब दी तरफों किसे किस्म दा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया।
देखो जी हिमाचल के लोग भी पंजाब दे विच काम करते हैं, लेकिन हजे तक कोई भी ऐसा इंसीडेंट सामने नहीं आया कि हिमाचल के लोगों नूं टारगेट किया गया या मारिया गया या कुटिया गया। सिख लोग पंजाबी लोग हमेशा ही पीस चाहते ने और उन्होंने इत्थे भी सबर का मुजाहरा किया, किसी किस्म की कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, किसी किस्म का कोई भी जिहड़े हिमाचल के लोग पंजाब दे विच काम करते ने उन्होंने उत्ते तशद्दुद नहीं किया। देखो जी मैं सलाम करता है, देखो हिमाचल के लोगों ने पंजाबियों नाल पंजाब के लोगों नाल बहुत बुरा सलूक किया है, तो जवाब दे विच पंजाबियों ने यार फिर भी प्यार दिखाया, फिर भी मोहब्बत दिखाई है। जिस तरह के एक सिख वीर ने आख्या कि जिस तरह हिमाचल दे विच सिखां ते पंजाबियां ते जुल्म किया जा रहा है, अगर पंजाब दे विच भी यह शुरू हो गया तो फिर दसो की होएगा। लेकिन कीता नहीं, वह जुल्म शुरू नहीं किया, बल्कि दसिया कि जे अगर तुम जुल्म करन दे जे अगर इधर भी जरा वह जुल्म शुरू हो गया तो फिर हालात जेडे है वह कंज दे पैदा होंगे। यार मैं उन्होंने सोच न सलाम करदा कि उन्होंने पैगाम भेजा कि अगर इधर के लोग भी गुस्से आ गए तो अपने तालुकात जेडे ने अपना जो भाईचारा जोड़ा है वह मजीद खराब हो सकता है। जिस तरह कि हिंदू वीर जी कह रहे थे कि रिश्तेदारियां दोवां सैडां ते है, हिमाचल के लोग जेडे ने पंजाब दे विच व्याहे हुए ने, पंजाब दे लोग हिमाचल दे विच व्याहे हुए ने, लोगों दी रिश्तेदारियां भी खराब हो सकदियां है। उन्हां दी गल बिल्कुल है, 100% है। हिमाचल दे लोगों दा ते पंजाब दे लोगों दा आपस दे विच बहुत गहरा रिश्ता है, इत्थे समझाउण दी जरूरत है, ते सिर्फ और सिर्फ हिमाचल दे लोगों नूं समझाउण दी जरूरत है, कंगना रनावत नूं समझाउण दी जरूरत है जिहड़ा ही नफरत दा बीज बोण दई है। देखो जी पंजाब वालों तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, पंजाब वालों तो कोई उन्होंने अगली दा जिहड़ी है हिंसा नहीं की गई, पंजाब वाले लोग तो बड़े पीस दे नाल रहिंदे ने, बड़े काम दे नाल रहिंदे ने, जिहड़े उत्थे हिमाचल दे लोग आ उन्होंने फिटे मूंह तक नहीं कहा गया, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो हिमाचल के लोग कर रहे हैं। हिमाचल के लोगों नूं समझाउण की जरूरत है, कंगना रनावत नूं समझाउण की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि इत्थे कंगना रनावत नूं चाहिदा है कि पूरे पंजाब कोलों माफी मंगे, जिहड़ा ये नफरत का बीज हिमाचल ते पंजाब दे दरमियान बोया है ते पंजाब दे लोगां ते जिहड़ा जुलम किया गया है, उस जुलम दे बदले कंगना रनावत नूं चाहिदा है कि पूरे पंजाब कोलों माफी मंगनी चाहिए। बाकी वीडियो देख के जो मैनू लगता सी मैं आप जी नूं दस दिता है, जो आप जी नूं लगता है वह मैं कमेंट दे विच लाजमी दसन, ते ए सी मेरी अज दी वीडियो, मिलते हैं आपां नैक्सट वीडियो दे विच, उदों तक मैनूं दिओ इजाजत, रब राखा।